नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीड जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर बीड जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक गंभीर आरोप लगाया गया था कि विरोध प्रदर्शन की मांग है कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर चंद्रकांत सूर्यवंशी और आला लिपिक श्रीनिवास मुले के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। बुलडाना सिटी पुलिस ने वाहन चालकों पर की कार्यवाही। बुलडाना शहर में भ्रष्ट अधिकारी और गुन्हे दाखिल। उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी और गुन्हे दाखिल। शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्या और गुन्हे दाखल। लघु पाटबंधारे विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई। लघु पाटबंधारे विभागातील भूसंपादन मावीच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई। तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यावर गुन्हे दाखल। शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई। लघु पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल। भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई। होत कशी नाही। शेतकऱ्यांना न्याय शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल। चंद्रकांत सूर्यवंशीवर फौजदारी कारवाई। शेतकऱ्यांना आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई। भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई। शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई। उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशीवर गुन्हे दाखल। शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल। प्रकरणात कारवाई। तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यावर गुन्हे दाखल। शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई। लघु पाटबंधारे विभाग तत्कालीन। बुलडाना शहर में गोलियों के साइलेंसर से छेड़छाड़ व पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर लगाने की घटनाओं से इफाजा हुआ है। वही बिना नंबर प्लेट वाले दुपहिया वाहन चलाए जा रहे, इसलिए प्रशासन के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक सारंग आवाज ने थाने के सामने बुलडाना शहर पुलिस द्वारा अवैध वाहनों सहित छापेमारी अभियान चलाया। चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई। आज रोजी बुलडाना पुलिस स्टेशन माननीय SP साहेब सारंग आवार साहेब, ऍडिशनल SP मामनी साहेब, DYSP कदम साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाकाबंदीचे आयोजन केलेले आहे। नाकाबंदी हा दैनंदिन कर्तव्याचा पोलिसांचा पार्ट आहे, त्यामुळे याच्यात असं नवीन काही नाही आहे। शहरामध्ये ज्या विना नंबरच्या गाड्या फिरतात, जो अपघात होतो तो अपघात डिटेन करता यावा याकरता कोणतेही वाहन हे विना नंबरचे नसावे याकरता खास ही मोहीम राबवण्यात येत आहे। तसेच 86 नंबर प्लेट परत ज्या बुलेटला सायलन्सर नाही आहे आणि ते फटाके फोडण्याचे सायलन्सर आहेत, असे सायलन्सर काढून त्यांना प्रॉपर कारवाई करावी या उद्देशाने नाकाबंदीचे आयोजन करण्यात आले। जलगाव महाविकास आघाडी प्राणित बलिराजा पॅनल के प्रत्याशियों को भारी मतों से चुनेंगे डॉक्टर सुरेश पाटिल। चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चुनाव में 3 पैनल वोट देने के लिए अपने अपने तरीके से वोटरों से मिल रहे। NCP कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे, महाविकास आघाड़ी प्रणित बलिराजा पैनल कृषि आय बाजार समिति में खड़े है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का एक समूह इस पैनल से नाराज था और उसने इस पैनल का गठन किया था। इस पैनल में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एड संदीप पाटिल, पूर्व शिक्षक विधायक दिलीप सोनवाने, डॉक्टर सुरेश शामराव पाटिल, चोपड़ा शुगर फैक्ट्री के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाटिल, घनश्याम अग्रवाल पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष गोरखा, तात्या पाटिल पूर्व जिला परिषद सदस्य बालासाहेब पाटिल जैसे दिग्गज नेता पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस पैनल ने आज पूर्वी क्षेत्र के गांव में अभियान चलाया। चोपड़ा तालुका के बड़े गाँव में से एक माने जाने वाले चारहदी में समाज के मतदाताओं और ग्राम पंचायत के मतदाताओं की एक बैठक आयोजित की गई और बलिराजा पैनल द्वारा मतदान करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर एड घनश्याम पाटिल, पूर्व शिक्षक विधायक दिलीप सोनवने, डॉक्टर सुरेश शामराव पाटिल, बालासाहेब पाटिल ने मतदाताओं का मार्गदर्शन किया। इस समय चोपड़ा तालुका के मतदाता
बलिराजा पैनल को चोपड़ा कृषि उपज मंडी समिति में बदलाव और किसान हित के पैनल में रूप में देख रहे। पैनल के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि बलिराजा भारी मतों से पैनल के उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज पर। नमस्कार।